दुर्योग के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संयोग बनना निश्चित रूप से सुखद है। आप इससे बखूबी वाकिफ हैं कि हम सभी वैश्विक महामारी कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। हर कोई आक्रांत हो रहा है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि योग भी एक साधन हो सकता है इससे बचाव का, जिस तरह अभी तक दवा ईजाद नहीं हो सका है, लेकिन योगासन करके लोग इससे बच सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह आप आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगासन किए हैं, योग के सारी मुद्राओं को कर करके और खुद के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि अभी लगातार इसको जारी रखें ताकि आप कोरोना के संक्रमण से निजात पा सकें। गढ़वा जिला टेबल टेनिस की ओर से इस योग दिवस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम लोग सभी मिल कर के इस योग कार्यक्रम को हम लोगों ने मिलकर सफल बनाया। इसमें हमारे गढ़वा टेबल टेनिस के सारे पदाधिकारी और जो बच्चे हैं उन लोगों ने भाग लिया। हम आज इस अवसर पर सभी को बधाई देते हैं और योग दिवस पर शारीरिक मानसिक विकास की कामना करते हैं। हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एनटीसी स्कूल में टेबल टेनिस संघ के द्वारा हम लोग सभी सम्मिलित हुए। आज के परिप्रेक्ष्य में योग बहुत जरूरी है। बहुत सारे असाध्य रोगों का इलाज योग के द्वारा होता है। अभी जो महामारी फैली हुई है उस पे योग जो है कोविड-19 उसमें योग के द्वारा हम लोग ठीक हो सकते हैं, जो योग करेंगे स्वस्थ रह सकते हैं और किसी भी रोग का निवारण हम लोग इसके द्वारा करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है योग करना, योग हमको प्रतिदिन करना चाहिए। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।